इकट्ठे किया मिलाया है और अपने चरणों में बैठने का अवसर दिता है। अभी थोड़ा समा असी वचन के वल ध्यान करा बाणी में बड़ी ध्यान में सुना। असी बाइबल पढ़ते हैं मती की अंजील का सत अध्याय के सत वचन पढ़ते हैं। मती सत की सत अक्सर संडे स्कूल बच्चों को सिखाई जाती है ये वचन। मती सत सत तीन चीजा ने मंगो तुहानू दिता जावेगा ढूंढो तुसी पाओगे खटखटाओ तुहाडे लई खोलिया जावेगा। हालेलुया। मंगण दा मतलब की है बाइबल तो यीशु मसीह ने एक उदाहरण दित्ती। कोई मित्र सीगा वो आके अद्धी रात दे वेले अपने एक दोस्त दे घर दा दरवाजा खड़काई जावे और रात दा समा सीगा काफ़ी नेरा हो गया और उन्हें आवाज़ दित्ती कहिंदा भाई तैनूं की चाहीदा है। वह कहिंदा अद्धी रात नूं मेरे घर ना कुछ मेहमान आ गए आ और बिना दस्से आ गए आ अचानक आ गए आ और उन्होंने खवाण के लिए मेरे को भोजन नहीं है रोटियां नहीं है तो तुम मैं कुछ रोटियां उधारियां दो ताकि मैं उन्होंने खवा सकता। और अंदरों आवाज है कहना देख भाई रात बहुत हो चुकी है हनेरा आ और मैं अपने बच्चों अपने परिवार के नाल लंबा पिया होया हूँ मैं उठ नहीं सकता तो सवेरे आके लै जाए। पर बाइबल जी कहता उन्हें फिर वह कुंडा खड़का शुरू कर दिता। फिर अंदरों आवाज आई कहता इदा कर भाई सवेरे आ जाए तो सवेरे लै जाए। और लिखिया उन्हें फिर वह कुंडे खड़का शुरू कर दिता है और बाइबल च लिखिया वो लगातार कुंडे को खड़काई गया है ना आवाजा दे गया आखिर उस सुते हुए लम्बे पे उठना पाया और आके उन्होंने रोटियां दित्तियां और यह गल कही कहिंदा मैं तेरी दोस्ती का करके नहीं उठिया मैं तेरे ढीठ पुणे का करके उठिया। हालेलुया। और मंगण का मतलब यह है कि तद तक दुआ करते रहना तद तक कुंडे को खड़काते रहना जब तक मिल नहीं जाता है। हालेलुया। हो सकता समा लग सकता अब्राहम दे वांग 25 साल भी लग सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वह भी लगातार मंगता रहा चलता रहा। दानियल दे वांग 21 दिन भी लग सकते हैं। इजरायलियां दे वांग 40 साल भी लग सकते हैं। हालेलुया। सो खुदा की मर्जी है। बाइबल दे विच लिखिया श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय दे विच सॉरी उपदेशक 3 अध्याय पहले वचन दे विच लिखिया कहिंदा हर काम दा एक समा है। खुदा ने हर चीज़ की समा ठहराया है। एक समा मंगण का है एक समा पाउण का है एक समा बीजण का है एक समा वढ़ण का है। हालेलुया। सो बाइबल दे विच लिखिया मंगो तुहानू दिता जाएगा। सो मंगणा वचन च लिखिया पौलुस लिखदा कहिंदा तुसीं मंगदे हो पर तुहानू मिलदा नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं मिलदा है कि खुदा सुनदा नहीं है जां जाणदा नहीं है। वह जाणदा है सुनदा भी है पर बाणी च लिखिया तुसीं अपनिया शरीरिक अभिलाषावान पूरा करने लिए मंगते हैं भली इच्छा नाल नहीं मंगते हैं। हालेलुया। कई बार असीं खुदा दे कोलों दुआवां कर करके है ना बरकत मंगते हैं प्रभु जी मैनूं वधिया घर मिल जाए मेरा घर वधिया बन जाए पर जदों खुदा दे दिंदा है तो फिर कई बार असीं ढिले हो जाने फिर दुआ करन नूं दिल नहीं करदा ना दुआ बंदगी घट जाती है फिर कई कई साल गुजर जाते बंदगी नहीं कराते असीं है ना रब का नाम ही नहीं लेंदे बाइबल ही नहीं पढ़ते क्योंकि उदो आस पूरी हो गई है ना उदो आस पूरी हो गई इस करके हम असं ढिले हो गए हैं हूँ दुआ करन नूं दिल नहीं करता संगत करन नूं दिल नहीं करता कदी कदी इतवार से छुट्टी कर लेने पर बाणी की दसदी है कहिंदा मंगणा वचन के आधार पर है। हालेलुया। जो चीज़ मिल जाए बरकत मिल जाए तो फिर आलसी नहीं हो जाना सुस्त नहीं हो जाना है बल्कि पहले नालों भी ज़्यादा धन्यवाद करना है। हालेलुया। मंगणा बाइबल लिखिया वचन के आधार देते है जो बाणी सानू दसदी है वो अनुसार मंगना है। कई बार असं अपन कलां मंगते हैं सुनो ध्यान नाल अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ में सुनिया वो पिछे चलिया और उत्पत्ति 15 अध्याय में असीं जाके पढ़ते हैं लिखिया निराश होया वो दुखी होया कहिंदा ऐ पिता तू सारा कुछ मैनू दिता है पैसा धन दौलत दिता जमीन जायदाद दिती है अफसोस कि सामने वाला मैनू कोई औलाद नहीं दिती है। और बाइबल दे विच लिखिया जदों सारा ने देखा कि हुण शायद खुदा साडी नहीं सुनेगा हुण सानू नहीं मिलेगा उन्हें लिखिया अपनी नौकरानी हाजरा नू अब्राहम दे नाल शादी कर दित्ती उहदी पत्नी बन करके दे दित्ता है। और बाइबल च लिखिया उहदे तों एक पुत्र पैदा होया
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਇਸਮਾਇਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕਨ ਸਾਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਮਾਂਡ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਇਸ ਔਰਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸਮਾਇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਜੋ ਇਸਮਾਇਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਮਾਇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਔਲਾਦ ਉਹ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਥੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਰਚ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਲਾਮ 'ਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 33 ਵਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਢੂੰਡਣਾ ਆ ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ
जो रोजा तुम रखते हो किसी मकसद ही रखा करो। कई बार किसी पूछिए भी तुम रोजा रखा जी, वो शुक्रवार सारे रखते हैं, मैं भी रख लिया, वो तो शरीर को दुख देने वाली गल हो गई। तुहाडा मकसद की है, तुम रोजा रखा कद लिए है, किस गल की तुम रोजा रखा है, वो तुहाडा उद्देश होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। देखो देखी का रोजा नहीं होना चाहिए, अगर शुक्रवार है सारे रखा है तो मैं भी रख लिया। ऐसा नहीं है, इदा रोजा इदा दुआव खुदा सुनता नहीं, कोई फल नहीं है। पर मकसद होना चाहिए कि मैं इस चीज़ लिए रोजा रखा है, आ मेरी जरूरत है, मैं ये रोजा रखा है। तो रोजा रख के सिर्फ बाइबल च लिखा घर घर फिरना नहीं है, रोजा रख के ज्यादा तो ज्यादा समा परमेश्वर को देना है, दुआ करनी है, वचन पढ़ना है। जिस मकसद लिए तुम रोजा रखा है उस काम के लिए, उस मकसद लिए ज्यादा तो ज्यादा दुआ करनी है। हालेलुया, फिर तुहाडा रखा हुआ रोजा जिहड़ा कबूल होगा, तो जिस काम लिए तुम रखा है वह काम को खुदा सफल करेगा। हालेलुया हालेलुया। सो बाइबल दे विच तीसरी गल असीं देखते हाँ, कहिंदा खड़काओ तां तुहाडे लई खोलिया जाएगा। हालेलुया, मैं जिवें पहले दस्सिया तद तक खड़काउंदे रहना है, तद तक मंगदे रहना है, तद तक परमेश्वर नूं आखदे रहना जब तक वह सुन नहीं लैंदा है, साडे लई दरवाजे नूं खोल नहीं दिंदा है। बाइबल दे विच कलाम तुसीं देखदे हां खड़काउणा जिहड़ा है वह प्रार्थना करन नूं दसदा है। हालेलुया, दुआ करन नूं दसदा है, और दुआ जिहड़ी प्रार्थना जिहड़ी आ तद तक बंद नहीं होनी चाहिए जब तक तुहाडा दरवाजा खुल ना जाए। बाइबल च लिखिया दानियल ने जब दुआ करनी शुरू की, वचन च लिखिया तद तक उन्हें दुआ बंद नहीं की, तद तक उन्हें आमीन नहीं किया जब तक स्वर्ग दूत आके अगे खड़ा नहीं हो गया। हालेलुया, 21 दिन लग गया, 21 दिन लगातार लिखिया दुआ करता रहा, दुआ करता रहा, मंगता रहा, खड़का रहा, और जब स्वर्ग दूत लाके सामने खड़ा होया कहना खुदा ने तेरी दुआ उधर ही सुन ली सी जिदन तू दुआ शुरू की सी, पर रस्ते दे विच मैनू शैतान ने रोक लिया, इस करके मैनू ज़्यादा समा लग गया। और दूसरे पास वचन च देखते हैं यकूब के बारे जड़ा अपने भरा इसाब का हिस्सा लैके तो लिखे अपने नानकियां नूं दौड़ गया जो रस्ते दे विच जांदा है, और कलाम विच लिखिया रात के वेले एक स्वर्गदूत उन्होंने मिलया और लिखिया सारी रात उस नाल लड़दा रहा, जंग करता रहा, और मनेर सार जदों सवेर चढ़न वाली होई तो स्वर्गदूत लिखिया वो जोड़ों के उत्ते हाथ लाया तो जोड़ ढिले पै गए, और कहिंदा मंग मैं तेरे तेरे लिए की करा, तू क्यों जो मैनू छड़दा है, तेनू की चाहिए है सर। और बाइबल लिखा ने कहा मैनू बरकत चाहिए, हालेलुया, मैं आशीष चाहिए है। और वचन च लिखिया स्वर्गदूत ने एक वादा किया कहिंदा अज तो बाद तू यकूब नहीं रहेगा, क्योंकि यकूब का मतलब है धोखेबाज। हालेलुया, कहना तू अज तो बाद यकूब नहीं होगा, अज तो बाद तेरा नाम इजराइल होगा। इजराइल का मतलब है कि वड्डी कौम, प्रभु के द्वारा चुनी हुई कौम। हालेलुया हालेलुया। और वचन जैसे अगर जाके तो पढ़ते तो लिखिया परमेश्वर ने यकूब के द्वारा एक वड्डी कौम को खड़ा कर दिता, जो मूसा इजराइलियों को छुड़ा के लैके आया मिस्र के विचों, बाणी दसदी आ 6 लाख तो भी वध लोग सीगे। हालेलुया, खुदा ने उन्हें वाधे की बरकत दी है, और लिखिया तद तक उन्हें स्वर्गदूत को छड्डिया नहीं जब तक उसकी बरकत उन्हें मिलनी नहीं। हालेलुया, वचन च लिखिया तद तक खड़काते रहना है, दुआ करते रहना है जब तक साढ़े लिए दरवाजा खुल नहीं जाता है। हालेलुया, जब तक दरवाजा खुल नहीं जाता है। और बाइबल लिखा कलाम के लिखिया परमेश्वर ने क्या कहता दुखों के वेले मैनू पुकार ते मैं तेरी सुनागा। खुदा सुनता है जो तो असं पुकारते हैं, असं आवाज़ दें, असं तो अगे खड़का शुरू करते हैं। हालेलुया, मैं जिम्मे पहले दसिया कई बार असं दुआ करते हैं किसी चीज़ के लिए, जो तो मिल जाती है तो फिर साड़ी दुआ घट जाती है, साड़ी संगति घट जाती भी हूँ तो मिल गया हूँ की फायदा है। जिमें जैरुस की धी बीमार सी ना, तो उन्हें आके यीशु ने क्या कहता प्रभु जी मेरी छोटी बेटी मरण वाली बहुत ज़्यादा बीमार है, तो मेरे घर चलो तो उन्हें ठीक कर दियो। हजे लिखा रस्ते में ही तुरे जाते थे तो वो घरों किसी ने आके उन्हें सड़िया दिता कहता तेरी बेटी तो मर गई है, तेरी बेटी मर चुकी है, हम गुरु में खिंच ना दे परमेश्वर यीशु को लैके जाने का कोई फायदा नहीं, मर गई है। पर बाइबल च लिखा यीशु मसीह ने कहता तू लोगों दी गल्लां वल ध्यान ना दे, विश्वास कर ते मेरे पिछे चल। हालेलुया, कहता मेरे पिछे चल, अज विश्वास दे विच कमजोर ना होइए, दुआ दे विच ढिले ना होइए। बाइबल च लिखा ढिले हाथ ते भिड़ले गोडे परमेश्वर नूं पसंद नहीं है, ढिली ढिली बंदगी, ढिली ढिली आराधना, ढिली ढिली दुआ जिहड़ी है
और ढिली ढिली सेवा जी खुदा पसंद नहीं है। हालेलुया, खुदा दे विच दलेर हो के गवाही देनी है। पतरस ते यूहन्ना नूं जद लिखिया एक लंगड़े नूं चंगा करन दे बाद झिड़किया गया, डराया धमकाया गया, उन्हां जाके कलीसिया दे विच जद इह गल दसी ते इह उन्हां नूं विशा दित्ता, कहिंदा तुसीं सारे जणे मिल के साडे लई दुआ करो कि प्रभु सानूं होर भी दलेरी दा आत्मा दे। हालेलुया, असीं होर भी दलेर हो के रब दे काम नूं करिए, ढिले ना हो जाइए, सुस्त ना हो जाइए, डर ना जाइए, बल्कि होर भी दलेरी ना दे काम नूं करिए। हालेलुया, अज बाइबल दे विच जिहड़ा खुदा ऐसे लोकां नूं पसंद करता है, ऐसे लोगों की दुआ नूं सुणदा है जिहड़े दलेर होके दी गवाही दिंदे आ, दलेर होके दी सेवा करदे आ, लगातार खड़काउंदे रहिंदे आ, लगातार लभदे रहिंदे आ, लगातार उहदी आवाज़ दे पिछे चलदे रहिंदे आ, उहदे वचन दे उत्ते बणे रहिंदे आ। यीशु मसीह ने कहा जे तुसीं मेरे वचनां ते टिके रहिंदे हो ते ठीक तुसीं मेरे चेले हो। हालेलुया, सो खुदा ने शब्दों द्वारा इन्हां वचनों द्वारा मिलो तुहानूं बहुत सारी बरकत देवे।